तम्मा बंदर, तहरीर बाय शाहसेब अहमद। गुनगुनाते हुए बूढ़ा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे निकम्मा बंदर मिल गया। वाह भाई वाह, अच्छे अच्छे खुशबू वाले ताजा ताजा फल जमा किए हुए हैं आपने, ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका बहुत ही शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी ललचाई नजरों से देखते हुए कहा, अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताजा ही हैं। सारे जानवर आजकल उन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो? बूढ़े बंदर ने कहा। तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं, इनमें कोई भी ताजा नहीं है, इसकी क्या वजह है? बूढ़े बंदर ने हैरत से सवाल किया। निकम्मे बंदर ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है, ऊपर चढ़ के मैं खुद को तकलीफ में नहीं डालता। फिर तुम ये सब कहां से जमा करते हो? बूढ़े बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से तो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं, मैं उन्हें उठा लेता हूँ या किसी से मांग कर रख लेता हूँ, इस तरह मेरा काम हो जाता है। अच्छा, तो तुमने मेहनत करना छोड़ दी है और भिखारी बन गए हो, जो खराब और दूसरों के बचे कुचे और फेंके हुए फल खा रहे हो। बूढ़े बंदर ने अफसोस से कहा। मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, आप चाहे इसे जो नाम दो। निकम्मे बंदर ने काहिली बताने के बाद फल मांगते हुए कहा, आपकी टोकरी तो ताजा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताजा फल दे जाओ ताकि आज मैं इनको खा सकूं, ये मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो मेरा ये एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारे मांगने की आदत पक्की हो जाएगी और मेहनत से तुम्हें मौत आने लगेगी। तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ दो। ये कहते हुए बूढ़े बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और बगैर कुछ दिए वहां से चला गया। प्यारे बच्चों, दूसरों से मांगना और सवाल करने की आदत बुरी है, इसकी वजह से इंसान सुस्त और कामचोर बन जाता है। हमें चाहिए कि बूढ़े बंदर की तरह ऐसे लोगों की बात ना मानकर मांगने की बुरी आदत से जान छुड़ाने में इनकी मदद करें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ।